नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऑडियो डिवाइस को लेकर आए हैं। जी हां, स्पाई और हिडन कैमरा कैटेगरी की सीरीज के अंदर हमारे पास में आज है एक ये ऑडियो रिकॉर्डर। जी हां, मेरा जो एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको GSM बग के बारे में बताया था, वो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज में है, मिलियन को क्रॉस कर चुका है और काफ़ी सपोर्ट और प्यार आप सब लोगों का उस वीडियो पर मिला। लेकिन वहाँ पर कई सारे कमेंट्स इस तरह के थे कि वो खुद वो जो ऑडियो है वो डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड करना भी चाह रहे थे। तो ये एक अलग वीडियो है जिसके अंदर ये जो डिवाइस है ये आपको लाइव तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप इसके अंदर लॉन्ग टाइम तक करीबन 6 घंटे के आसपास ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट, 6 आवर्स तक अप्रॉक्सीमेट मैंने ट्राई किया है, 6 आवर के अप्रॉक्सीमेट इसका बैटरी बैकअप है, तो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड देन आफ्टर आप इसको सुन भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को पता है कि ये जो हमारी स्पाई और हिडन कैमरा की जो सीरीज है उसके अंदर मैं जो भी इस तरह के डिवाइसेस आपको बताता हूँ उसके पीछे के 2 रीज़न हैं। पहले आप आपका बचाव कर पाएँ, और जो दूसरा रीज़न आता है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितनी तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सो कभी भी इन प्रोडक्ट का मिसयूज़ ना करें। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ साथ में इसका यूज़ जो है वो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है हमारे पास में द ऑडियो रिकॉर्डर, टोकर ब्रांड का द ऑडियो रिकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है। आपको ये मिलेगा www.meragadget.com से। अब यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ पर फ़ोन लगाकर इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिल्वर कलर का दिख रहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग, बस इतना ही लिखा है। अब हम इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, ऊपर की स्लीव हटाई, डिवाइस का बॉक्स ओपन किया, इसको साइड में रखते हैं, और डिवाइस में सिर्फ ये इतना छोटा सा हमें डिवाइस मिल रहा है। पहले इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में। यहाँ पे अगेन ओपन, एक हमें ये केबल मिलता है, क्या काम आएगा लेट्स सी, चेक करते हैं। और एक हमें यहाँ पर मिलता है ईयरफोन, और एक हमें मिलती है यहाँ पर यूज़र मैनुअल गाइड। सो यहाँ पर है हमारे पास में कि बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्टेनलेस स्टील का डिवाइस, किचन है पूरा का पूरा, बहुत ही छोटा स्मॉल सा है। यहाँ पर आपको मिलता है एक 3.5 mm का जैक, एक छोटा सा स्विच, और एक यहाँ पर जो होल है वो है छोटी सी लाइट, ये आपके क्लिप ऑन करने के लिए जैसा हमारा नॉर्मल किचन में होता है। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं कोई भी कीज़ को लटका दीजिए, और ये हो गया आपका छोटा सा एक किचन विद ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार। अब ये जो ऑडियो रिकॉर्डर है इसके अंदर करीबन 5 से 6 घंटे का ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनबिल्ट मेमोरी है 8 GB की, यहाँ पर स्पेसिफाई है, और इसके अंदर आप करीबन जो बैटरी बैकअप है उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर 5 से 6 घंटे का ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। और इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अभी बताता हूँ, लेकिन साथ में एसएसडी देख लेते हैं। अब ये जो इसको रिचार्ज करने के लिए या फिर इसमें से जो फाइल है उसको निकालने के लिए आपको साथ में ये केबल मिलेगा। सो ये केबल जब आप यहाँ पे डाल देंगे, इस तरह से प्लग इन करेंगे, और ये USB है, आप इसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाल के चार्ज कर सकते हैं। आइदर अगर आपके पास में कोई अडेप्टर है तो अडेप्टर USB वाला जो अडेप्टर है उससे भी इसको चार्ज कर सकते हैं, और डेटा ट्रांसफ़र भी आप इसी केबल से कर पाएंगे। तो मल्टी है, ओके। और इसके साथ में जो हमारे पास में जो तीसरी डिवाइस आई है ये है हमारा एक ईयरफोन। वाओ क्या बात है, ये बहुत ही एक शानदार और प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन है जो आप देख रहे हैं। मैंने इस तरह के डिवाइस में इस तरह की क्वालिटी मैंने बहुत ही रेयर देखी है, बहुत ही कम देखी है, और एप्पल वाले जो होते हैं उसी की कॉपी है। लेकिन जो फिनिशिंग है इसकी, जो फील है वो बहुत ही प्रीमियम है, लग्जरी है, दैट्स ग्रेट। और साथ में है यहाँ पर एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल, जिसको आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से ऑब्वियसली। इसके अंदर मैं हमेशा यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए मना बोलता हूँ, लेकिन ये बहुत ही छोटी है। सो इसमें आप किस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को, किस तरह से प्लेबैक कर सकते हैं, इच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम मेन डिवाइस की तरफ आते हैं। तो ये है हमारे पास में हमारा जो मेन डिवाइस। अब ये जो डिवाइस है इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं पहले हम वो समझते हैं। अब ये डिवाइस के अंदर आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो माइक का जो क्लैरिटी है वो बहुत ही शानदार है,
अभी हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, वो भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए अभी हम फिलहाल इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए सिर्फ एक ही बटन है और कुछ भी नहीं, जो बटन जैसा बटन दिखता ही नहीं है। ये जो छोटा सा है यहाँ पर, आप इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए दबा के रखेंगे तो रेड लाइट आएगी यहाँ पर, और ये जो रेड लाइट है वो फ्लैश होने के बाद में बंद हो जाएगी कुछ इस तरह से। दबा के रखा रेड लाइट, अभी जो रेड लाइट है वो फ्लैश किया 3 बार और बंद हो गया। नाउ द रिकॉर्डिंग इज ऑन। अभी इसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, और मैंने खुद ने पर्सनली इस रिकॉर्डिंग को सुना है। मैंने अलग अलग लेवल पे ले जाके मैंने अपने जेब में रख के घुमा हूँ और फिर मैंने ऑडियो को टेस्ट किया है। सो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर ऑडियो का क्लैरिटी लगा, बहुत ही अच्छा शानदार था एक्सपीरियंस मेरा। सो जहाँ पर आपको कुछ इस तरह के ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं किसी के घर के या ऑफिस के, सो आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई ऐसा ऑडियो डिवाइस लगाया हुआ है फॉर द एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। अब जब आपको इसको स्टॉप कर देना है, अगेन दबा के रखिए और ये कुछ इस तरह से बंद कर देगा ऑडियो को रिकॉर्ड करना। बस इतना है, आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है या फिर ऑडियो को स्टॉप करना है, दो ही चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर आपको ऑडियो को सुनना है तो सुनने के लिए इसके साथ में ये जो आपके पास में ईयरफोन इसी वजह से दिए हैं, अब दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ कि इसके अंदर जो फाइल बनी है हमारी, उस फाइल को यहाँ से इसको कनेक्ट करूँ, पीसी में लगाऊँ, कॉपी करूँ अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, या तो मैं इसको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लूँ या फिर हमारे पीसी में, तो ये ऑडियो को ट्रांसफ़र कर लूँ तो मैं ऑडियो सुन सकता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अलग करिए। यहाँ पर आप इसको लगा दीजिए कुछ इस तरह से, आप जैसे ही लगाएंगे देन आफ्टर आपको ये वाली जो स्विच है उसको दबा के रखना है। सो अभी ये जो आप स्टेटस देख रहे हैं यहाँ पर पर्पल कलर की लाइट लग रही है, और अगर मैं इसको यहाँ से ये वाली जो बटन है, यहाँ पर 3 बटन दी हुई हैं, हमारा जो ईयरफोन साथ में आया है उसमें प्ले पॉज है, प्लस और माइनस है। सो इसको जब आप दबा के रखेंगे, हल्का सा क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये देखिए रेड लाइट आ रही है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा जो ऑडियो है इसके अंदर वो प्ले हो रहा है। अब इसी के साथ में आपको खेलना है, जैसे आप मोबाइल के लिए करते रहते हैं, ये पॉज है ठीक है, बीच वाली बटन, ये जो प्लस है वॉल्यूम को प्लस करने के लिए, लेकिन वॉल्यूम को प्लस करना हो आपको तो ये थोड़ा देर दबा के रखना पड़ेगा तो वॉल्यूम प्लस होगी, सिंगल टैप करके छोड़ देंगे तो नेक्स्ट ट्रैक ओपन हो जाएगी इसकी, मतलब अगर इसके अंदर अलग अलग टाइप की फाइल है तो वो नेक्स्ट ओपन होगी। अगर आप इसको वापस से पॉज करते हैं और पॉज करने के बाद में अगर प्लस वाली को दबाते हैं माइनस वाली को दबाते हैं तो रिवाइंड और फॉरवर्ड जो है वो आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। आप मोबाइल स्मार्टफोन जैसे डिवाइसेज यूज़ करते हैं तो ये करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो मुझे काफ़ी पसंद आई ये डिवाइस, एग्जैक्टली बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना, और जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो बस यही है इसके अंदर, बाकी तो कुछ है नहीं, दैट्स इट। सो बहुत ही प्यारा ये ऑडियो रिकॉर्डर है जो हमें लगा, जो टोगल ब्रांड का है। मुझे पर्सनली ये पसंद आया, ऑब्वियसली अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो बिना पसंद आया तो मैं करने वाला नहीं हूँ। सो मुझे पसंद आया, इसका जो लुक है वो काफ़ी छोटा है और प्रीमियम दिखता है यहाँ पर, आप इसको कहीं पर भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। एज आप इसको आप आईपॉड की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको इसके अंदर सॉन्ग भी सुनना है तो इस पर्पज़ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और प्लस किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करना है किचन के अंदर लगा दिया तो भी लगा सकते हैं। अगर ये डिवाइस आपको पसंद आया हो, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो आप जा सकते हैं www.meragadget.com पर, जहां पर करीबन ये जो डिवाइस है वो 3000 के आसपास की कॉस्टिंग में आपको पड़ेगा। और बाकी अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कोई नए गैजेट्स, नई टिप्स एंड ट्रिक्स और नई डिवाइसेस को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।